आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक बार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बना लेंगे तो आपको सरकार की तरफ से पढ़ाई के लिए 4 लाख तक की सरकार ने मदद करती है। इसलिए आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और कितना दिन में आपको क्रेडिट कार्ड बन के घर पे आ जाएगा, आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, आपको ए टू जेड जानकारी मिल जाएगी और अपना क्रेडिट कार्ड कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ये कन्फ्यूजन जरूर दूर कर देता हूँ कि वही लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं जो 10th पास हो, चाहे कोई भी बोर्ड से हो, आराम से आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी डिग्री से पास हो, चाहे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कोई भी डिग्री से आप पास है, आपको पास पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तब आप आराम से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए। सबसे पहले आपको मोबाइल में टाइप करना होगा, ठीक है, DRCC बिहार, अगर बिहार से हैं तो DRCC बिहार करिएगा, नहीं तो अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट आपको वहाँ पे DRCC करके टाइप कर दीजिएगा, उसको आपको सर्च कर देना है, ठीक है। सर्च करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पे आपको देख रहे हैं हाउ टू अप्लाई, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के यहाँ पे देखिए साफ साफ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म ओपन होते इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, 4-5 फॉर्म आपको मिलेगा, फर्स्ट फॉर्म इस तरह का मिलेगा। यहाँ पे विद्यार्थी का जो आप अगर आवेदन करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आपका विद्यार्थी का हस्ताक्षर फोटो, आप यहाँ पे फोटो अपना लगाइएगा और यहाँ पे आपको हस्ताक्षर साथ में फोटो पे आपको रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे CO का एप्लीकेंट नाम, यहाँ आवेदन का हस्ताक्षर, गार्जियन का या कोई ग्रांटेड जिनको लेना चाहते हैं उनका हस्ताक्षर आपको लगेगा साथ में फोटो को ऊपर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फुल नाम, विद्यार्थी का फुल नेम, आपका जो मार्कशीट पर नाम रहेगा फुल वही नाम देगा देना होगा, मिडिल नाम है तो मिडिल नाम दीजिएगा, लास्ट नाम है तो लास्ट नाम आपको दे दीजिएगा। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पे फुल नाम देना है, मिडिल नाम है तो मिडिल नाम पिता के दीजिएगा, नहीं तो लास्ट नेम है तो लास्ट नाम, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे माता का नाम देना है, ठीक है। उसके बाद अपना पूरा लड़की है तो पति का नाम दे सकते हैं, शादीशुदा है तो, लड़का है तो देने की कोई जरूरत नहीं है। जिनको CO एप्लीकेंट, मतलब CO एप्लीकेंट का मतलब हुआ जिनको आप गारंटर रखना चाहते हैं, गार्जियन या कोई भी अदर पर्सन का, तो उनका फुल नेम यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस पूरा देना है, ठीक है। अपना जो मोहल्ला होगा वहाँ आवास होगा, जहाँ पे रेसिडेंट आपको जहाँ पे रहते हैं वहाँ एड्रेस आपको देना है, CO को यहाँ पे एड्रेस देना है। उसका परमानेंट एड्रेस आपको देना है, जो परमानेंट आपका जो एड्रेस है वो आपको देना है, अगर सेम दोनों है तो यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा, बराबर चिन्ह दीजिएगा। CO जो है उनका भी परमानेंट एड्रेस है, टिक लगा दीजिएगा, नहीं तो ठीक है। उसको ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, आपको देना ही होगा, स्टूडेंट है आपको देना होगा, अपना CO को भी आपको देना होगा ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, मंथ जिस ईयर है 1995 दीजिएगा, मंथ जैसे 6 जून है तो 6 यहाँ पे दीजिएगा, CO का भी यहाँ पर सेम देना है, ठीक है। उनका जितना भी रहेगा उतना ही दीजिएगा, जिसे आप भरिएगा वैसे इनको भी भरना होगा। मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, रेसिडेंट आवास का घर का भी नंबर दे सकते हैं, CO का भी मोबाइल नंबर दीजिए देना पड़ेगा, रेसिडेंट मोबाइल नंबर घर का भी यहाँ पे दे सकते हैं, घर का अगर नहीं दे सकते कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ फैक्स नंबर दे सकते हैं और यहाँ पर ऑफिस का नंबर दे सकते हैं, ये सब आपके पास नहीं है तो देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सेक्स मेल फीमेल जो भी है तो यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ पे CO जो आपका है, जो मेल फीमेल है जिनको आप रखना चाहते हैं गारंटर, उनका भी आप यहाँ पे देना होगा। उसके बाद मैरिड स्टेटस में आपको यहाँ पे सिंगल है या अनमैरिड है जो भी है, आपका जो CO है वो भी सिंगल है या मैरिड है, आपको टिक लगा देना है, ठीक है। टिक लगाने के बाद उसको आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना है, जैसे आधार कार्ड देना, आधार कार्ड का नंबर देना है, रेसिडेंट आवासीय प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो उसका आधार कार्ड देना है तो आधार कार्ड पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। रेसिडेंट सर्टिफिकेट उस पर टिक लगा देना है, वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं तो वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर टिक लगा देना है, पासबुक नंबर यहाँ पर दे देना है, वो अन्य दे रहे हैं और कुछ डॉक्यूमेंट इस पर टिक लगा देना है। उसके बाद कैटेगरी वर्ग, आप कौन सा कैटेगरी वर्ग में आते हैं, SC ST जो भी OBC, तो जो भी क्षेत्र मतलब कैटेगरी में आते हैं आपको टिक लगा देना है, आपको जो CO है गारंटर वो कौन सा कैटेगरी में आता है उनका आपको टिक लगा देना है, ठीक है। उसके बाद टिक लगाने के बाद उसको ये क्या आप अल्पसंख्यक कोटी से संबंधित हैं, यस नो पर आपको जो भी अल्पसंख्यक है तो यहाँ पे यस नो पर क्लिक कीजिएगा, आपको CO जो भी है उसको भी कीजिएगा। आपको यहाँ पे कौन सा क्लास मतलब कितना पढ़े लिखे हैं, 10th या 12th या उससे ज्यादा, जो भी 10th 12th है आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद हाई एजुकेशन, जैसे कि 10th पास किए उससे और पढ़े हुए हैं, ज्यादा पढ़े हुए हैं, जैसे कि BCom MCom जो भी किए हैं, BTech किए हैं, तो भी डिग्री, एक्स्ट्रा डिग्री जो भी किए हैं यहाँ पे डिग्री देना है।
क्या आप विकलांग हैं या सीएनओ, अगर नहीं विकलांग हैं अदर स्किल किए हैं, जैसे कि आप अकाउंटेंट का कोचिंग किए हैं या कंप्यूटर कोर्स को अलग से किए हैं, तो यहाँ पे कौन सा कोर्स किए हैं वो नाम देना है, इंस्टीट्यूट का नाम देना है और इंस्टीट्यूट कौन सा यूनिवर्सिटी के अंदर आता है उनका यूनिवर्सिटी का नाम दीजिएगा, मतलब कौन जो कोर्स जो किए हैं कौन सा ईयर्स में कोर्स किए हैं वो ईयर्स का नाम देना है, जैसे 2019 में किए हैं या 2020 में किए हैं, 2018 में, जो भी कंप्यूटर कोर्स अदर से स्किल जो किए हुए हैं वो स्किल का कौन सा ईयर्स में किए हैं वो आपको दे देना है, जो आप कोर्स किए हैं कौन सा ईयर्स से स्टार्ट किए हैं यहाँ पे दीजिएगा और कौन सा ईयर्स में आपको समाप्त हुई है, जैसे 2018 से लेकर के 2019 का बीच में कोई एक साल का कोई कोर्स किए हैं तो 2018 से 2019 आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद जहाँ पे आप कोर्स किए हैं कौन सा आपको इंस्टीट्यूट का क्या कॉलेज क्या नाम है आपको यहाँ पे दे देना है, विद्यालय का नाम, रोल नंबर, इंस्टीट्यूट में आपको कितना रोल नंबर था, रोल नंबर यहाँ पे दे देना है, ठीक है। अगर आप स्किल अलग से किए हैं तब आपको देना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं या कॉलेज में रहते हैं तो आपको वहाँ पे कितना रुपया खर्च हो रहा है, तो जितना रुपया आपको खर्च हो रहा है तो यहाँ पे आपको दे देना ही, जितना रुपया आपको खर्च हो रहा है देना है, मतलब आपको एक्सपेंसेस होगा जो भी आप स्टडी कर रहे हैं सभी स्टडी आपको यहाँ पे नोट करके कितना रुपया खर्चा होता है ये आपको दे देना है, किस किस चीज में खर्चा होता है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे आपको बैंक का नाम यहाँ पे देना है, उसका बैंक ब्रांच देना है, उसका बैंक अकाउंट नंबर देना है, एफसी कोड देना है, आपको सीओ का भी बैंक नाम देना है, बैंक का अकाउंट नंबर देना है, ब्रांच देना है, सब कुछ यहाँ पे सेम आप ही तरह देना है उनका भी नोट करके। उसके बाद रिपेमेंट जैसे लोन कौन आदमी मतलब रिटर्न करेगा, जैसे कि आप खुद रिटर्न कीजिएगा तो बाय स्टूडेंट एप्लीकेंट, नहीं तो आपका जो गारंटेड रिटर्न करेगा तो बाय सीओ आपको देना है, ठीक है, टिक लगा देना आप उसको। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट पूछ रहा है आपके पास कौन कौन डॉक्यूमेंट है सभी पे आपको टिक लगा देना है, यहाँ पे ऑल टिक आपको लगा देना है। उसको कुछ डिस्क्रिप्शन आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, इसे लोन से संबंधित है उसको यहाँ पे आपको स्टूडेंट आपको सिग्नेचर यहाँ पे आपको सामने में कर देना है, उसको प्लेस जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ प्लेस का नाम यहाँ पे दे देना है, उसको डेट यहाँ पे आपको दे देना है, उसको आपको हस्ताक्षर आपको यहाँ पे हिंदी में कर देना, स्थिति कर सकते हैं इंग्लिश में भी कर सकते हैं हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कीजिएगा तो हिंदी में छोड़ दीजिए, उसके बाद यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आपको स्थिति फिर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्थान देना है, स्थिति देना है, आवेदक का हस्ताक्षर आपका खुद का हस्ताक्षर यहाँ पे होना है, उसके प्राप्ति रसीद ये इस पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये जो प्राप्ति करेगी ऑफिस में वही आपको यहाँ पे सिग्नेचर करके पूरा फॉर्म भर के जितना जो दिन आपको बुलाएगा डेट दे करके वो आपको मोहर मार करके ये रिसीविंग आपको फार करके दे देगा। उसको आपको जमा कैसे करना है, जमा करने के लिए आपको वही आ जाना है, आपको यहाँ पे बैक हो जाना है, ठीक है। बैक होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद जैसे कि आप बिहार में कौन सा स्टेट डिस्ट्रिक्ट से हैं तो जैसे कॉन्टेक्ट यूएसपी कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ इंटरफेस मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे सभी का डिस्ट्रिक्ट आ चुका है, उसका मैनेजर आ चुका है, देखिए यहाँ पे सभी का डिस्ट्रिक्ट दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, यहाँ पे सभी जिसका DRCC जहाँ जहाँ ऑफिस है दरभंगा में, पटना में, जहाँ जहाँ सभी ऑफिस का नाम आ चुका है, ऑफिस का मैनेजर का नाम आ चुका है जूली कुमारी, यहाँ पे पंकज कुमार, यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ, उसका एड्रेस प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है, इनसे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिएगा, इनको CEO ऑफिस में आपको डायरेक्ट जाना है। CEO ऑफिस में अगर आपको मालूम नहीं आपको इस क्षेत्र में CEO ऑफिस कहाँ है, जैसे कि मान कर चलिए ये दरभंगा हुआ तो दरभंगा में ये CEO ऑफिस का नंबर ये हुआ, ठीक है, इस ऑफिस पे इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, इनको ऑफिस पे जाना चाहते हैं तो आप मैप में भी चेक कर सकते हैं इनका ऑफिस कहाँ है दरभंगा में, और इनसे मोबाइल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, नहीं तो आप मैप में भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैप पे जैसे बैक करके आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा जैसे कि पटना में कहाँ पे है, देखिए DRCC ऑफिस, जहाँ जहाँ DRCC ऑफिस है सभी का, गया में कहाँ हुआ है, कहाँ है, ठीक है, तो रोहतास में कहाँ है, मोतिहारी में कहाँ है, सभी का DRCC जो भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर है वहाँ पे यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्शन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जाना होगा। आप ऑनलाइन से करिए ऑफलाइन से, आपको बेहतर बता दूँ कि ऑफलाइन से या फॉर्म भरे आप वहाँ पर DRCC ऑफिस जाएं, आपको तुरंत में हाथ में काम हो जाएगा। जैसे कि आप DRCC ऑफिस जाते हैं तो DRCC ऑफिस जाने के बाद आपको एक एम्प्लॉयमेंट टिकट देगा, उसको बुलाएगा 10 दिन या 15 दिन के बाद आपको फिर आना है वहाँ पे आने, जैसे कि जिस दिन आपको बुलाएगा उस दिन आप जाइएगा तो उस दिन के बाद जाने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड वहाँ पे बन के तैयार हो गया होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, वहाँ पे पूरा वेरिफिकेशन होगा, फिर से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, तब आपको बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है कोई कोई इंस्टीट्यूट में ही डायरेक्ट ट्रांसफर करती है हर महीना किस हिसाब से, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, तो वही हॉस्टल के जरिए आपको
होस्टल मालिक को जो होती है उनका ऑनर उन्हीं के खाता में डायरेक्ट पैसा चले जाती है आप, ठीक है। तो ये भी आपको पूरा जानकारी मिल गया किस तरह से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप बना सकते हैं काफी आसानी तरीका से। अगर आपको कुछ पूछना है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप 10th पास हैं तो आराम से बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे कितना भी पढ़े हुए हैं लेकिन 10th पास होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको पूरा जानकारी मिल गया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल बीमेटेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।